नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तबीयत खराब है। जी हां, उन्हें सिर में दर्द है और बुखार की शिकायत है, खांसी सर्दी जुकाम है, यानी कि कोरोना के शुरुआती लक्षण उनमें पाए गए हैं। उन्होंने अपना जांच भी करवाया है, हालांकि अभी तक टेस्ट रिपोर्ट सामने नहीं आया है, इसलिए तत्काल उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है। जी हाँ, आज सुबह ही ये खबर आई। चिराग पासवान ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी। इस पर आज लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू का बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं कृष्ण सिंह कल्लू, आप सुनिए। आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक, गरीबों, दलितों, शोषितों, अति पिछड़ों के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी प्राप्त हुआ कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, वह अस्वस्थ हैं। हल्की बुखार, सर में दर्द के कारण उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और आरटीपीसीआर के लिए जांच भी उन्होंने दे दिया है। मन विचलित हुआ। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि वह जल्द स्वस्थ हों, लंबी दीर्घायु की हमने ईश्वर से प्रार्थना की। आप सभी भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जल्द स्वस्थ हों। तो सुना आपने कृष्ण सिंह कल्लू। जी हाँ, एलजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, सह प्रवक्ता हैं कृष्ण सिंह कल्लू। चिराग पासवान के अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से कामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने टेस्ट करवाया है कोरोना का, वे निगेटिव आए। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान का टेस्ट रिपोर्ट क्या आता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।